नमस्कार, मैं गौरी, देख रहे हैं आप सी न्यूज़ भारत। खबर कैमूर से है। जिले के मोहनिया जगजीवन स्टेडियम में पहुंचे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सासाराम संसदीय क्षेत्र से एनडीए उम्मीदवार शिवेश राम के पक्ष में जनसभा संबोधित की और शिवेश राम को वोट देकर जिताने की अपील की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजद पर जमकर तीखा प्रहार किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने केजरीवाल सहित विपक्ष के सभी नेताओं को चोरों का गिरोह बताया। आधे घंटे के संबोधन में उन्होंने लालू परिवार पर कर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब बिहार में शराब माफिया, बालू माफिया, भू माफिया संभल जाए, वरना कैमूर के ही जेल में बंद कर देंगे या फिर वो खुद बिहार से भागने पर मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोलते हुए कहा कि ना तो कांग्रेस पार्टी ने कभी आरक्षण दिया और ना ही लालू प्रसाद यादव ने दिया। जब भारत में पहली बार दलितों आदिवासियों को आरक्षण मिल रहा था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी विरोध कर रहे थे। बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद और राजेंद्र प्रसाद ने आरक्षण देने का काम किया। नरेंद्र मोदी को देने का काम करेगा। लोग कहते हैं कि हमने आरक्षण दिया, आप बताओ 15 साल में किसको आरक्षण दिया? ना पिछड़े को दिया, ना कि पिछड़े को दिया, ना दलित को दिया, ना महिला को दिया। लेकिन भाजपा और जदयू की सरकार की पहली बार 50% आरक्षण महिलाओं को नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी ने देने का काम किया। अति पिछड़ों को 17% से 20% आरक्षण देने का काम नीतीश कुमार और सुशील मोदी की सरकार ने। दलितों को आरक्षण दिया और लालू जी के राज में चुनाव होता था, याद कीजिए 2001 का, 2002 का चुनाव, कोई आरक्षण नहीं था सर। ये सिर्फ बोलने वाले नेता है, इनसे पूछो आपने 15 वर्षों में क्या किया। ये लोग सनातन विरोधी है। हम लोग तो समझते थे कि लालू जी मांस मछली नहीं खाते हो, लेकिन आप देखिए उसी राहुल गांधी वही पप्पू के साथ मटन खा रहे थे जिस राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस पास कर लालू यादव को मुखिया बनने लायक नहीं छोड़ा है, और उसी को सावन के महीने में मछली मटन खिलाने का काम कर रहे थे। और दूसरे तरफ बाप बेटा जो है, लालू जी कहते थे कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। लालू जी ने कहा कि पहले रानी लाएंगे, फिर बेटा को राजकुमार बनाएंगे और बेटी को राजकुमारी बनाएंगे। यही है लालू प्रसाद, दूसरे की चिंता नहीं है साथियों। और बेटा तो स्वान अल्लाह इसलिए कहा कि आजकल गरीब का बेटा, लालू प्रसाद जी का बेटा हेलीकॉप्टर में ऊपर में चढ़कर मछली खाने का काम कर रहा है। ये सनातन में होता है क्या? नवरात्रा में मछली खाते है क्या? सावन में मटन खाते है क्या? देखिए हम लोग कहते हैं ना कि भगवान जो है जमीन पर है, दूसरे लोग नहीं मानते। अब देखिए ऐसा मछली हवाई जहाज में खाया कि शरीर में कांटा घुस गया, अब बेचारा व्हील चेयर पर घूम रहा है। अब बताइए लोकतंत्र में कभी किसी का मजाक मत उड़ाओ। मेरा स्पष्ट मानना है जनता को जब भगवान पे भरोसा है तो हमको भी भगवान पे भरोसा है। इसलिए साथियों आग्रह कर रहे हैं, 1990 से लेकर 2005 तक याद कीजिए, बिहार में जंगल राज के स्वरूप रहे। कहीं रोड नहीं था, सड़क नहीं था, पानी नहीं था, बिजली नहीं था, कोई कानून व्यवस्था नहीं था और रोजगार भी नहीं था। लालू जी के बेटे कहते हैं कि हमने कितना नौकरी दिया। अरे भाई, पढ़े लिखे होते तब तो संविधान का पता होता कि मुख्यमंत्री के बिना कुछ नहीं हो सकता। हम लोग भी काम कर रहे हैं, लगातार 5वीं बार सदन में बैठा हूं साथियों, और हम लोग को ये पता है कि जब तक मुख्यमंत्री तय नहीं करे कुछ नहीं हो सकता। 1990 से लेकर 2005 तक याद करो, बिहार में 1 लाख लोगों को भी सरकारी नौकरी नहीं मिली। रोजगार के लिए लोग प्लान कर रहे थे और 2005 से जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तो 5.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी 2020 तक दिया। यही संजय जायसवाल जी यहाँ बैठे हैं, हमारे पार्टी के अध्यक्ष थे, और नीतीश कुमार जी के साथ इन्होंने तय किया 7 निश्चय 5 पूर्व, और अगली साल फिर से चुनाव में वोट मांगने आएंगे विधायकों के लिए। आपको स्वस्थ करके जा रहा हूँ, बिहार का उप मुख्यमंत्री हूँ, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रहा। ये जो 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा है ना,
इस वादा को पूरा करके ही आपसे वोट मांगने आओ। ये पार्टी याद है ना, जब तक श्रीमती सोनिया गांधी स्विच नहीं दाबती थी इस देश में, मनमोहन सिंह बोलते थे नहीं ना बोलते थे, आज 56 इंच वाला सीना वाला प्रधानमंत्री है। आज एक बार यूक्रेन में बच्चे फंस गए, लाखों बच्चे हमारे, मोदी जी ने युद्ध को रोको, युद्ध रुक गया और यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को फोन करके पूछा कि मोदी जी युद्ध तो रोक दिया, भारत के बच्चे को पहचानूंगा कैसे। मोदी जी ने कहा चिंता मत करो, सिर्फ कह दो जिस बच्चे के हाथ में तिरंगा होगा वही भारत का बच्चा होगा। ये ताकत है सर। और भारत के बच्चे तो निकले ही, बगल से पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों निकल गया तिरंगा दिखाकर। इसलिए साथियों 1947। कैमूर से सीनियर संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। आपको बता दें कि सासाराम संसदीय क्षेत्र में सातवें चरण में 1 जून को लोकसभा चुनाव का मतदान है। यहां महागठबंधन और एनडीए के दिग्गज नेता अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं, तो दूसरे पर तंज भी कस रहे हैं। अब तो 4 जून को ही पता चलेगा कि किसकी सरकार बनेगी और कौन पीछे रह जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।